हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथ वर्कशीट फॉर क्लास फिफ्थ, चैप्टर नंबर 6, बी माय मल्टीपल आई विल बी योर फैक्टर। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि सभी न्यू वीडियोज़ की अपडेट आपको टाइम पर मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्कशीट में हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन, व्हेन टू और मोर नंबर्स आर मल्टीप्लाइड देन ईच नंबर इज अ डैश ऑफ द प्रोडक्ट। जब दो नंबर मल्टीप्लाई किए जाते हैं तो वो दोनों नंबर जो आंसर आता है, मीन्स जो प्रोडक्ट आता है, उसके क्या होंगे? फैक्टर्स होंगे, फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट। देखिए, जैसे हमने टू को मल्टीप्लाई किया टू से तो हमारा आंसर क्या आया? फोर। फोर हमारा प्रोडक्ट है और ये वो दो नंबर हैं जो हमने मल्टीप्लाई किए हैं, तो ये दोनों नंबर इस नंबर के, फोर के, क्या हैं? फैक्टर्स हैं। ओके, द प्रोडक्ट ऑब्टेंड बाय मल्टीप्लाइंग टू और मोर नंबर्स इज कॉल्ड डैश ऑफ द नंबर्स। जब दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनसे जो प्रोडक्ट आता है, जैसे कि ये हमने दो नंबर को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या आया? फोर। तो आपको बताना है कि जो ये आंसर आया है ये इन दोनों नंबर का क्या है। ओके, तो ये है मल्टीपल ऑफ द नंबर्स। आपको फैक्टर और मल्टीपल में कंफ्यूज नहीं होना है। किसी भी नंबर के फैक्टर्स क्या होंगे? जो उस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे, रिमाइंडर ना बचे। और मल्टीपल्स क्या होंगे? आप उस नंबर को कितने भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो जो प्रोडक्ट आएगा, जो आंसर आएगा मल्टीप्लीकेशन के बाद में, वो मल्टीपल होते हैं। ठीक है, एलसीएम मीन्स, एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, एचसीएफ स्टैंड फॉर, एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होगी? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। डैश इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। कौन सा नंबर सभी नंबर्स का फैक्टर होता है? वन। वन इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। नंबर्स डिविजिबल बाय टू आर कॉल्ड, जो नंबर टू से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं उन नंबर्स को क्या बोलते हैं? इवन नंबर। और जो नंबर्स टू से डिवाइड नहीं होते हैं, रिमाइंडर बच जाता है, उन नंबर्स को बोलते हैं ओड नंबर। नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स आर कॉल्ड डैश नंबर्स। जिन नंबर्स के सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, या तो वन या फिर वो नंबर खुद, तो उन नंबर को क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं प्राइम नंबर। हाइएस्ट फैक्टर ऑफ सिक्स इज, सिक्स का हाईएस्ट फैक्टर मीन्स सबसे बड़ा फैक्टर सिक्स का क्या होगा? तो ये बात आपको याद रखनी है, किसी भी नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर वो नंबर खुद होता है। हाईएस्ट फैक्टर ऑफ सिक्स इज सिक्स। नेक्स्ट, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर इज इटसेल्फ। किसी भी नंबर का फर्स्ट मल्टीपल वो नंबर खुद होता है। नेक्स्ट वर्कशीट में हमें करने हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ 12 इज 1, 2, 3। 12 का सबसे छोटा फैक्टर क्या होगा? तो पहले हम देखते हैं 12 के फैक्टर कौन कौन से हैं। वो सभी नंबर्स जो 12 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहे हैं विदाउट रिमेनिंग एनी रिमाइंडर, तो वो क्या होंगे? 12 के फैक्टर। तो 12 का सबसे पहला फैक्टर होगा 1, क्योंकि 1 तो सभी का फैक्टर होता है। उसके बाद 2 कम्प्लीटली डिवाइड करता है ना 12 को। उसके बाद 3, उसके बाद 4, 5 12 का फैक्टर नहीं है क्योंकि 5 12 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करता। 6 फैक्टर है, बस यहीं तक काफ़ी है क्योंकि आपको ऑप्शन 3 तक ही गिवन है। तो इनमें से देखिए सबसे छोटा फैक्टर कौन सा है? 1 है ना, सो हमारा करेक्ट आंसर है ए, 1 इज स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ 12। द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 4 इज, 4 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या होगा? सो पहले हम देखते हैं 4 के मल्टीपल्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहला मल्टीपल होगा 4 वन ज़ार 4, उसके बाद 4 टू ज़ार 8,
उसके बाद 4 3 12, ठीक है। इससे आगे भी बहुत सारे होते हैं, तो इनमें से देखिए सबसे छोटा है 4। सबसे पहला वाला जो मल्टीपल होगा वो कौन सा है? 4। तो सी इज करेक्ट आंसर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 and 4 इज, 2 और 4 के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। 1 2 8, ये 3 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहले आप देख लीजिए 2 के फैक्टर्स क्या होंगे। जो नंबर 2 को कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे वो 2 के फैक्टर होंगे। तो 2 के फैक्टर होंगे 1 और 2। 4 के फैक्टर्स होंगे 1 2 और 4 खुद, ठीक है। अब इन दोनों में से देखिए कौन कौन से नंबर कॉमन है। दोनों में 1 कॉमन है, ठीक है। दोनों में 1 फैक्टर आ रहा है कॉमन, उसके बाद 2 आ रहा है। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? जो भी फैक्टर कॉमन आ रहे हैं उनमें से फिर आपको बड़ा नंबर उठाना है। तो बड़ा यहाँ पे 2 है, 1 तो 2 से छोटा है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 and 4 इज 2। द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 and 8, 6 और 8 का कॉमन मल्टीपल बताना है, ठीक है। तो पहले आप 6 का टेबल लिखेंगे। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30। 30 तक काफ़ी है 6 का टेबल, क्योंकि आपको ऑप्शन में सिर्फ 24 तक ही दिया हुआ है। अगर आपको 24 से आगे 30 40 तक दिया होता तो हम 6 का टेबल वहाँ तक लेके जाते जहाँ तक आपका इनमें से कोई भी ऑप्शन मिलता, ठीक है। सबसे बड़ा नंबर ऑप्शन में होता, तो यहाँ पे ऑप्शन में सबसे बड़ा नंबर 24 है, तो हम 24 तक ही टेबल लेके जाएंगे तो काफ़ी रहेगा। उसके बाद 8 का टेबल, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32। अब देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है, तो दोनों के टेबल में 24 कॉमन है, ठीक है। उससे पहले कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, 24 से छोटा कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, इसलिए स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 and 8 इज 24। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मल्टीपल ऑफ 7? 7 के मल्टीपल कौन कौन से हैं? आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से बताना है। 7 14 21, ऑल ऑफ दीज। तो 7 के ये तीनों ही मल्टीपल हैं। 7 का टेबल आप काउंट करेंगे तो जो जो नंबर भी आएंगे वो सभी मल्टीपल होंगे 7 के। डी इज करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज। 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, इनमें से 3 किसका फैक्टर नहीं है। फैक्टर मीन्स 3 इनमें से किसको कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा, ठीक है। अगर जिस नंबर को 3 कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है तो 3 उस नंबर का फैक्टर होगा, और जिस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करेगा उसका फैक्टर नहीं होगा। तो 9 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, 24 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, डिवाइड करके देख सकते हैं हम, 18 को भी डिवाइड करता है, 32 को डिवाइड नहीं करता। तो यहाँ पे 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाई 4 5 and 6? इनमें से कौन सा नंबर इन तीनों नंबर से डिविजिबल है, ठीक है। 40 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 6 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद 60 देखिए 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है 60, उसके बाद 5 से भी डिवाइड हो रहा है, उसके बाद 6 से भी डिवाइड हो रहा है। सो बी इज करेक्ट आंसर। फाइंड एलसीएम ऑफ 16 and 18। 16 और 18 का एलसीएम निकालना है आपको। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हमें उन नंबर के फैक्टर्स निकालने होते हैं। तो पहले हम निकालेंगे 16 के फैक्टर। आप डायरेक्ट 16 और 18 दोनों के निकाल सकते हैं, तो हम एक में ही दोनों के फैक्टर्स निकाल देंगे, ठीक है। सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों को या इनमें से किसी को भी डिवाइड कर सके, 2। 2 8 16, 2 9 18। अब सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करे या इनमें से एक को करे, 2। 2 4 8, 9 एज इट इज़, क्योंकि 9 को डिवाइड नहीं कर रहा है 2। देन 2 2 4, 9 एज इट इज़। देन 2 1 9 एज इट इज़। अब देखिए यहाँ पे तो 1 आ गया, 1 के बाद हमें जाना ही नहीं है, 1 सबसे छोटा नंबर होता है। उसके बाद देखिए 9
कौन सा नंबर है जो 9 को डिवाइड करता है कम्प्लीटली? 3. 1 एज इट इज, 3 3 ज़ 9. ठीक है, तो ये हमारे पास 16 और 18 के फैक्टर्स आ गए. एलसीएम ऑफ 16 एंड 18 इज, 16 और 18 के ये सभी जो कॉमन फैक्टर्स आए हैं इनको आप लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन में और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो आएगा एलसीएम ऑफ 16 एंड 18. सो आंसर इज 144. आप इनको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं. फाइंड एचसीएफ ऑफ 9 एंड 12. एचसीएफ निकालने के लिए भी पहले आपको 9 और 12 के फैक्टर्स निकालने हैं. सो 9 के हमने फैक्टर्स निकाले तो ये आए हमारे पास, और 12 के फैक्टर निकाले तो ये आए हमारे पास. हमने 9 और 12 के अलग अलग फैक्टर्स निकाले हैं. ठीक है, अब देखिए हमारे पास 9 के फैक्टर्स हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1. उसके बाद 12 के फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1. ठीक है, अब इनमें से देखिए दोनों में कौन से नंबर कॉमन है. तो 3 यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन है. एक तो 3 कॉमन है ये वाला पेयर, और एक 1 कॉमन है. ठीक है, अब जो HCF होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या तो 1 हो सकता है या 3 हो सकता है. हमें निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर आ सकता है. तो 1 3 से छोटा है तो क्या आएगा? 3 इन दोनों में वो कॉमन फैक्टर है जो सबसे बड़ा है. अ स्कूल मैथ्स क्लब मीट्स आफ्टर एवरी 6 डे एंड ईवीएस क्लब मीट्स आफ्टर एवरी 4 डे. ऑन विच डे दे विल मीट टुगेदर ऑन सेम डे. किसी स्कूल का मैथ्स क्लब लगता है 6 डे पे और ईवीएस क्लब लगता है 4th डे पे, तो आपको बताना है कौन से डे पे जाके उन दोनों के क्लब सेम डे पे लगेंगे. तो इसमें क्या करेंगे, एलसीएम निकालना है 6 और 4 का एलसीएम निकालेंगे. तो जो ये फैक्टर्स आए हैं 6 और 4 के कॉमन, इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1. 12th डे पे मैथ्स और ईवीएस क्लब एक साथ लगेंगे. ठीक है, सो ये थी आज की वर्कशीट. आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगेगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग.